प्रतापगढ़ जिले के अचनारा में स्थित हिंगलाज चामुंडा कालिका त्रिदेवियों के मंदिर में नवरात्रि के आखिर दिन चुल का आयोजन होता है, जिसमें माता के भक्त नंगे पांव जलते अंगारों पर चलकर मां के दर्शन को पहुंचते हैं। मान्यता है कि चुल में निकलकर मां के दर्शन करने से शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस साल भी चुल का आयोजन किया गया। चुल में लकड़ी जलाकर अंगारे बनाए गए। शुरुआत में मंदिर के पंडा जी धधकते हुए अंगारों पर चले, उसके बाद भक्तों ने अंगारों पर चलकर दर्शन किए। भक्त बताते हैं कि माता के आशीर्वाद से ना तो पैरों में जलन होती है और ना ही छाले पड़ते हैं। अंगारों पर चलने पर कोई परेशानी भी नहीं होती है। माँ के दर्शनों से कष्टों का निवारण होता है। नवरात्रि के अंतिम दिन शाम के समय दूर दराज से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि इससे पहले इस मंदिर की किसी को कुछ खास जानकारी नहीं थी। साल 2009 में गांव के मुकेश शांसरी पर माता आई और उन्होंने मंदिर में विराजमान सभी प्रतिमा के बारे में जानकारी दी, जिसमें हिंगलाज, चामुंडा, कालका, बजरंगबली, शिवशंकर आदि देवी देवताओं के स्थान बताए। यहां एक बावड़ी और तालाब था, जिसमें नहाकर मंदिर के सामने धधकते अंगारों पर चलकर माँ के दर्शन किया करते थे, जिससे उनकी सभी पीड़ा, बीमारी, कष्ट माँ हर लेती थी। इन सब बातों से प्रभावित होकर गांव वालों ने 2012 के अश्विन नवरात्र के अंतिम दिन मंदिर पर चुल का आयोजन शुरू किया, जो आज तक माता रानी के आशीर्वाद से चल रही है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन आग के अंगारों पर चलकर ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नवरात्रि के 9वें दिन चुल का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर 9 फीट लंबी व 2.5 फीट चौड़ी चुल बनाई जाती है। यहाँ पर लकड़ी के अंगारे बनाए जाते हैं। इन अंगारों पर पहले हिंगलाज माता जी के पंडा जी व अन्य गांव के भोपा जी नंगे पांव निकलते हैं। फिर यहाँ अनेक सभी श्रद्धालु, धर्म श्रद्धालु धधकते अंगारों पर चलकर फिर माता जी के दर्शन करते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं के हर मनोकामना पूर्ण होती है व हर दुखी व रोगी का दुख दूर होता है। हिंगलाज माता के जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें चुल का जो कार्यक्रम रखा जाता है वह सभी ग्रामवासी मिलकर रखते हैं व आसपास के गांवों से भी सभी लोग यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। और चुल की लंबाई 10 से 12 फीट की लंबाई है और 2.5 फीट चौड़ी है और उसमें आग लगाई जाती है। आग लगाने के बाद जो यहाँ के पंडा जी, मुकेश जी जो यहाँ के पंडा जी है, तो वो यहाँ माता जी आती है उनको और वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद उनके पीछे पीछे सभी श्रद्धालु निकलते हैं।